बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन का आज 12वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं। क्या कुछ है आज का कार्यक्रम रहा और क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम AGM है जो बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर एसोसिएशन का हर वर्ष होता है, हम लोग करते हैं और हमारे जितने भी सदस्य हैं उनको हम लोग यहाँ आमंत्रित करते हैं। एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोग किसी गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं या और किसी तरह के कार्यक्रम हैं जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल फ्रेटर्निटी है उसको कुछ ना कुछ लाभ होता है सुनकर। इस बार भी हम लोगों ने बहुत ही सीनियर नेता जो हैं श्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को आमंत्रित किया, आप लोगों ने अभी सुना भी उनको, और वो उद्योग मंत्री हैं। तो बिजली का जब हम लोगों ने उनको उन्होंने कहा भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप यहाँ पे जो बाहर के माल को बेच रहे हैं आप यहाँ माल बना के बेचिए, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि उद्योग मंत्री से हम लोग इसी तरह की सपोर्ट चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर माल बनाकर यहाँ बेचें, बाहर दूसरे राज्यों से आयातित करके हम लोग यहाँ ना बेचें। एक ये उद्देश्य है। दूसरा, हम लोग का संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार के कोने कोने से हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेटर्निटी के दोस्तों को, साथियों को बुलाते हैं ताकि वो संगठन से जुड़ें और इसे मजबूत करें, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए हर वर्ष हम लोग ये वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी ने जो भी बातें कही उन बातों से आप अस्वस्थ हैं? 100% वो जिस प्रकार के एक बहुत ही उत्तम वक्ता हैं, वो जैसा भी जो भी बोलते हैं वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं और जो बोलते हैं एकदम डंके की चोट पर बोलते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो उन्होंने जिस तरह की बातें कही इससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। जो इन्होंने कहा कि आप बाहर के माल को मंगा के बाहर यहाँ बेचते हैं, आप यहाँ बनाकर बेचिए, बहुत ही हम लोग के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स है और हम लोग उनके पास अप्रोच करेंगे कि वो हमें बिजली के उद्योग में हमें पूरी सहायता करें कि यहाँ पर उद्योग स्थापित हो सकें अधिक से अधिक। क्या लगता है कि आप लोग सरकार से क्या कुछ और सहायता जो है अपील करेंगे कि क्या सरकार की तरफ से आप लोगों निश्चित रूप से मिले? निश्चित रूप से उद्योग मंत्री हैं तो उद्योग लगाने के लिए या और भी पैमाने पर व्यवसाय करने के लिए भी हम लोग उनसे हर तरह की के सहयोग की अपेक्षा करते हैं और हम लोग हर तरह के सहयोग के लिए उनको अप्रोच भी करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो होल हार्टेडली हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। मेरा सवाल है कि आए दिन अभी आप देख रहे होंगे अपराधी जो हैं व्यवसायियों को ही टारगेट बनाए हुए हैं, तो ऐसे में भी व्यवसायियों के ऊपर भी ज़्यादा खतरा है, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? इधर कुछ दिनों में इस प्रकार की घटनाएं होने लगी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्त है और वो अपना काम कर रही है। धीरे धीरे उम्मीद है कि ये इस पर नियंत्रण हो जाएगा। अभी तक तो काफ़ी सुख शांति थी, इधर कुछ विगत 2-3 महीनों से इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, तो ये चिंता की बात अवश्य है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से अपने पूरे संगठन के साथ आज एकत्रित हुए हैं, तो क्या कुछ नई बातें ऐसी हुई जो पहले नहीं कभी हुई थी? हाँ, इस बार जो संगठन में जो सदस्यों का जमावड़ा है पहले के मुकाबले काफ़ी अधिक है और ये हम लोगों की सकारात्मक नीतियों और संगठन के अच्छे कामों का नतीजा है कि अधिक से अधिक लोग इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं। और आज के दिन बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सबसे बड़ा संगठन होने वाला है बिहार का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे संजीव सर, इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जिस तरह से हर साल बिहार इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन द्वारा जो वर्षगांठ मनाया जाता है इस बार भी बड़े ही अनोखे तरह से मनाया गया और हमारा संगठन जो है धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है। इस गर्व बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।